तो हेलो लोग, कैसे हो? मैं हूँ मोहतरम और आप लोग देख रहे हो फैक्ट स्टोरी यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे रुको रुको रुको, आप लोग फैक्ट स्टोरेज चैनल पे ही आए हो यार, और वीडियो को छोड़कर चले नहीं जाना। और मेरी वीडियो में मनीष भाई की आवाज आपको इसलिए सुनने को मिल रही है क्योंकि ये वीडियो है हमारा 500 के स्पेशल Q&A वीडियो। और इतने स्पेशल वीडियो में मैंने कुछ स्पेशल करने का सोचा और इसलिए मैंने मनीष भाई से इस वीडियो के लिए एक छोटा सा इंट्रो बुलवाया। सो होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा और इसके लिए मनीष भाई को भी बहुत बहुत थैंक्स, और साथ ही आप सभी को एक बहुत बड़ा वाला थैंक्स क्योंकि आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से हमने यानी फैक्ट स्टोरेज की फैमिली ने कम्प्लीट कर लिया है 500K यानी 5 लाख सब्सक्राइबर्स, जिसके लिए अगेन आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि 500K होने पर मैं आप लोगों के लिए Q&A वीडियो लाऊंगा, जिसकी काफी समय से डिमांड हो रही थी, तो फाइनली Q&A वीडियो आ चुकी है और इस वीडियो में आप लोगों द्वारा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के Q&A वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आगे पूछे गए यूनिक और स्पेशल क्वेश्चंस के आंसर देने से पहले मैं उन क्वेश्चंस के आंसर देना चाहता हूं जो मुझसे सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, लाइक रियल नेम, एज, एड्रेस, गर्लफ्रेंड एक्सेट्रा। तो दोस्तों, मेरा रियल नेम है मोहतरम और मैं रहने वाला हूं बोकारो स्टील सिटी का, जो कि एक बहुत बड़ी सिटी और डिस्ट्रिक्ट है जो कि झारखंड स्टेट में पड़ती है। और अभी करंटली मेरी एज हो रही है 17 ईयर्स और अभी मैं 12th क्लास में PCM लेकर पढ़ाई कर रहा हूं। और बात करें गर्लफ्रेंड की, तो हाँ मेरी एक गर्लफ्रेंड है। अरे भाई है तो है, नाम बताऊंगा। अरे भाई आप लोग तो मेरी फैमिली हो यार, तो नाम बताने से क्या है भाई, गर्लफ्रेंड होती है, हर किसी की लाइफ में गर्लफ्रेंड होती है। तो हाँ मेरी भी एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन थोड़ा रुको, जरा सबर करो, वीडियो में आगे मैं बताऊंगा। तो भाई लोग, ये थे कॉमन क्वेश्चंस। तो अब आते हैं स्पेशल और यूनिक क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहला सवाल है, ब्रो वेयर डू यू बिलोंग फ्रॉम? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं बोकारो स्टील सिटी झारखंड से बिलोंग करता हूं। व्हिच इज हार्डेस्ट सब्जेक्ट? तो मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे हार्डेस्ट सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स, क्योंकि भाई फिजिक्स तो भाई मेरे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ती। फिजिक्स भाई एक अलग ही नशे वाले सब्जेक्ट है मेरे को भाई। मैं मतलब बिल्कुल 9th क्लास से मेरे को, अभी मैं 12th में हूँ जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे को भाई 10th क्लास से जो है 9th से मेरे को फिजिक्स पल्ले नहीं पड़ रही है। और वैसे तो मेरे को मैथ्स भी पल्ले नहीं पड़ती है, लेकिन जो हमारे मैथ्स चाचा है वो फिजिक्स में एक अलग ही विकराल रूप धारण कर लेते हैं, जिससे मेरे को क्या भाई अच्छे अच्छे बच्चों का जो है फिजिक्स जो है ऊपर से पार हो जाता है। और हमारा जो फिजिक्स है ना, वो 4-5 फ्लोर नहीं बल्कि 10-15 फ्लोर के ऊपर से पार हो जाता है फिजिक्स हमारे दिमाग के ऊपर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब से यूट्यूब स्टार्ट किया? तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया था 30 अप्रैल 2020 को, और मैंने अपना पहला वीडियो डाला था 1 मई 2020 को, जो कि अभी भी मेरे चैनल पर मौजूद है। और गलती से भी भाई प्लीज उस वीडियो को जाकर मत देखना। अगला सवाल है, आपका इंस्पिरेशन कौन है? तो मेरे इंस्पिरेशन है GW मनीष भाई और बिनजेद भाई, जिनसे मैंने काफी कुछ सीखा है और अभी भी काफी चीजें सीख रहा हूँ। और मैंने अपने चैनल पे फ्री फायर के फैक्ट वीडियोस मनीष भाई से इंस्पायर होकर डालना स्टार्ट किया था, और मेरा जो टॉप 10 का सीरीज है वो मैं बिनजेद भाई से इंस्पायर होकर डालना स्टार्ट किया था। और मैं लिटरली इन दोनों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और साथ ही मैं खुद इन दोनों का एक बहुत बड़ा फैन हूँ। और मैं किसी की वीडियो देखूं ना देखूं, लेकिन मनीष भाई और जैद भाई की कोई सी भी वीडियो मैं मिस नहीं करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन विल यू डू लाइव स्ट्रीम? तो भाई मैं इस चैनल पे तो लाइव स्ट्रीम नहीं करूंगा, क्योंकि ये चैनल है सिर्फ आपको फुल्ली इंफॉर्मेटिव वीडियोस देने के लिए। लेकिन मैं बहुत जल्द अपने गेमिंग चैनल पे लाइव आने वाला हूं। मेरे गेमिंग चैनल का नाम है फैक्टो आर्मी FF। सो अगर आपने मेरे गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अगला सवाल है, रिसर्च कितने घंटे करते हो? तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊं, तो पहले मैं एक कंटेंट सोचता हूं पहले। तो जैसे मैंने आज एक कंटेंट सोचा, तो पहले उस कंटेंट पे मैं पूरा YouTube छानता हूं। तो भाई ऐसा तो कोई वीडियो तो नहीं है पहले YouTube पे, क्योंकि मेरे को यूनिक कंटेंट प्रोवाइड करना है, तो पहले ये रिसर्च कर लेता हूं। उसके बाद मैं उस वीडियो का 20-25% जो रिसर्च है वो आज कर लेता हूँ, जिस दिन मैं कंटेंट सोचता हूँ। और उसके अगले दिन मैं उसकी पूरी 100% जो रिसर्च है, एक्यूरेट रिसर्च है, वो कर लेता हूँ। उसके अगले दिन मेरे को जो इंपॉर्टेंट स्क्रिप्टिंग लिखनी होती है, मतलब इस वीडियो की जो मैं देख देख कर बोलता हूँ, मतलब स्क्रिप्टिंग करता हूँ मैं, तो उस स्क्रिप्टिंग में उसके अगले दिन करता हूँ। और उसके अगले दिन रिकॉर्डिंग, एडिट, वीडिट सब एक दिन में, मतलब जैसे मतलब मेरे को आज वीडियो डालनी है तो आज मैं एडिट करता हूँ, फिर उसके मतलब वॉइस ओवर आज ही करता हूँ, एडिट भी आज ही करता हूँ, अपलोड भी आज ही कर देता हूँ। अगला सवाल है, हु इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट यूट्यूब चैनल? तो भाई मेरे को किसी ने इंस्पायर नहीं किया कि यूट्यूब चैनल खोलो, बल्कि मैंने खुद को अंदर से इंस्पायर किया कि एक तुम्हें यूट्यूब चैनल खोलना चाहिए। और हुआ कुछ ऐसा था कि जब मैंने लाइफ में पहली बार, शायद आज से 6-7 साल पहले, जब मैंने लाइफ में पहली बार यूट्यूब को देखा था अपनी आंखों से, तो भाई मैंने एक टेक वीडियो देखा था जिसमें भाई एक बंदा भाई मोबाइल के बारे में कुछ एक्सप्लेन कर रहा था। तो भाई मेरे को अंदर से लगा कि अरे भाई जब ये वीडियो ऐसे बना सकता है तो मैं भी ऐसे वीडियो बना सकता हूँ। और उसी दिन, उस पहले दिन जिस दिन मैंने YouTube को देखा था, उसी दिन मैंने ये ठान लिया था कि भाई मैं भी ऐसे वीडियोस बनाऊंगा। उस टाइम मैंने ये नहीं सोचा था कि भाई मैं क्या बोलते हैं पैसे छपूंगा, ये छपूंगा, बस मेरे को ऐसे वीडियोस बनाना है तो बनाना है। तो भाई वो मेरा एक, मैंने खुद को एक इंस्पायर किया कि मैं एक यूट्यूबर बनूंगा।
और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मैं एक यूट्यूबर मतलब आधा अधूरा मतलब आधा यूट्यूबर बन चुका है, आधा यूट्यूबर बन चुका हूँ। 1 मिलियन मेरा सपना है जो कि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से जल्द पूरा हो जाएगा। सो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और पहले के समय में मेरे पास कुछ फोन वोन तो था नहीं, लेकिन हाँ 10th जैसे मैंने दिया, आज से 2 साल पहले मैंने 10th का एग्जाम दिया, तो 10th के एग्जाम देने के जस्ट बाद लॉकडाउन लग गया। और उसी लॉकडाउन में मैंने भाई साहब सोचा कि चलो भाई अब यूट्यूब स्टार्ट कर ही देते हैं भाई साहब, क्योंकि अभी 1-1.5 साल तो शायद लग ही जाएंगे ये लॉकडाउन हटने में, मेरे को ऐसा लगा था। और फिर मैंने अप्रैल में, हाँ क्योंकि मार्च में मैं एग्जाम देकर आया, फिर अप्रैल में मैंने यूट्यूब चैनल खोला, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मई में मैंने वीडियो डाला, और उस टाइम से मैं वीडियो डालता गया। अगला सवाल है, आपका बेस्ट यूट्यूबर फ्रेंड कौन है जो आपसे 100K से भी पहले से जुड़ा हुआ है, बताओ। तो भाई ऐसे तो बहुत लोग हैं जो मेरे से कांटेक्ट में है यूट्यूबर, लेकिन हाँ जो मेरे सबसे ज़्यादा क्लोज है, जो मेरे से सबसे ज़्यादा पर्सनल है, जिससे मैं सबसे ज़्यादा बातें करता हूँ, वो है डुओलॉट्स FF, TBH FF और इन मैक्स। और जिन्होंने इस सवाल को पूछा है वो खुद यानी हमारे विशाल गेमिंग भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको फ्री फायर खेलते कितना टाइम हुआ? तो भाई मैं सीजन 8 से फ्री फायर खेल रहा हूँ। अगला सवाल है, यूट्यूब की जर्नी कैसी थी आपकी? तो भाई यूट्यूब की जर्नी काफी बेहतरीन थी, काफी इंजॉय किया यूट्यूबर की लाइफ में। एक यूट्यूबर बनना मतलब एक खुद में एक भाई सब खुशी की बात है। और भाई मैं 1.5 साल से यूट्यूब पे हूँ, और मैंने 8 महीने मेहनत किए तब जाकर मैं एक सक्सेस कर पाया यूट्यूब पे। और आज मैं बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि मैंने खुद के दम पे मैंने कुछ किया है लाइफ में, और मैं काफ़ी लोगों से मिला, काफ़ी हैप्पी हूँ, काफ़ी अच्छी। भाई साहब यूट्यूब एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जो आपको इज्जत, नाम, शोहरत और पैसा सब देती है। सो अभी मैं मतलब बहुत खुश हूँ भाई, एक इस खुशी को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। एक यूट्यूबर की लाइफ बहुत अच्छी लाइफ होती है, बस कुछ गड़बड़ मत करो यार, अच्छा अच्छे से लोगों को ऑडियंस को अपनी एंटरटेन करते रहो, अच्छे से इन्फॉर्मेशन देते रहो, जो आपको कंटेंट है वो अच्छे से प्रोवाइड करते रहो। और एक यूट्यूबर की लाइफ मतलब एक यूट्यूबर बनने के बाद मैंने काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई मेरी, काफ़ी स्पेशल कुछ खास लोगों से भी मुलाकात हुई मेरी यूट्यूबर बनने के बाद ही। काफ़ी सारे फ्रेंड्स बने गेम में, ऐसे भी वैसे भी। और वैसे तो मेरे को काफ़ी लोग यूट्यूब पे जानते हैं, बट भाई जब मैं अपने घर तरफ मार्केट जाता हूँ तब कोई रैंडम इंसान आकर बोलता है ना कि अरे भाई आप फैक्ट स्टोरेज हो ना, मैं उसको जानता भी नहीं हूँ, वो आकर खुद बोलता है अरे भाई आप फैक्ट स्टोरेज हो ना, मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, आपकी आवाज़ काफ़ी ओपी है भाई, तारीफ करता है ना भाई। तो मतलब अंदर से जो एक अंतरात्मा होती है वो बिल्कुल खुश हो जाती है, क्योंकि भाई साहब मतलब मेरे घर तरफ भी मेरे फैंस मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन है, फैक्ट स्टोरेज भाई आप खुद का गेम प्ले वीडियो क्यों नहीं डालते? तो भाई मैं खुद का गेम प्ले वीडियो इसलिए डालता कि मैं भाई साहब बहुत टट्टी खेलता हूँ, मतलब उतना भी कुछ खास नहीं खेलता मैं, मतलब एक मेरे को नूब कह सकते हो, मैं उतना खास नहीं खेल पाता क्योंकि मैं उतना गेम में खेलता हूँ लेकिन उतना कुछ खास नहीं खेल पाता, वो सबको पता है। मतलब इसीलिए भाई साहब मेरे मैक्सिमम जो गिल्ड मेंबर्स हैं वो भी मेरे साथ नहीं खेलते, मेरे फ्रेंड मेंबर्स हैं मतलब फ्रेंड लिस्ट में जितने भी लोग हैं वो भी मेरे साथ नहीं खेलते भाई, क्योंकि मैं उतना कुछ खास नहीं खेलता। और दूसरी बात, मैं एक मोबाइल प्लेयर हूँ, मेरे को पीसी प्लेयर बनने का शौक नहीं है, मेरे पास पीसी सेटअप है, बिल्कुल बेस्ट पीसी सेटअप है, लेकिन मैं पीसी में मतलब हल्का फल्का खेलता हूँ, मेरे को पीसी टट्टा नहीं बनना है भाई। और मैं एक मोबाइल प्लेयर बनना चाहता हूँ, जो कि मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ एक अच्छा प्लेयर बनने का। और यही बात है इसलिए क्या बोलते हैं क्योंकि देखो, और हाँ मेन बात यह है कि जो पहली बात तो मैं रेड नंबर नहीं मारता इसलिए मैं अपने गेम प्ले वीडियो यूज़ नहीं करता। और दूसरी बात है कि जो भाई साहब मोबाइल में वो क्वालिटी तुम नहीं दे सकते, अगर तुम रेड नंबर दे भी दोगे ना लेकिन मोबाइल में वो क्वालिटी जो होती है पीसी वाली वो नहीं दे पाओगे। और ऑडियंस जो है वो क्वालिटी तो बहुत पसंद करती है, वो रेड नंबर से ज़्यादा क्वालिटी भाई साहब पसंद करती है, क्वालिटी वीडियो देखना, जो कि मोबाइल में देना भाई साहब बहुत मुश्किल होता है। और तीसरी बात है भाई कि मैं थोड़ा मोड़ा अगर अच्छा खेलता भी हूँ ना, तो जब मैं मतलब साला नसीब ही ख़राब है मेरा, जब भी मैं भाई साहब रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके अपना गेम प्ले वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तभी मैं साला उससे भी मतलब हद से ज़्यादा टट्टी गेम प्ले करता हूँ, इसीलिए भाई साहब मैं दूसरे गेम प्ले वीडियोज़ यूज़ करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रो योर 10th परसेंटेज। तो भाई मेरा 10th में आया था 83%। योर फेवरेट ड्रेस ऑन फ्री फायर, तो भाई ये जो आप लुकअप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये मेरा परमानेंट लुकअप है, परमानेंट बंडल है जिसे मैं पहनकर मैक्सिमम यही मतलब इसी बंडल को पहनकर मैं मैक्सिमम गेम खेलता हूँ। व्हाट इज़ योर एम इन लाइफ? तो भाई वैसे तो एम को नहीं बताना चाहिए किसी को, लेकिन आप लोग मेरी 5 लाख की फैमिली हो तो भाई मतलब एक परिवार है, तो परिवार को बताने में कुछ नहीं जाता है। मेरा एम है लाइफ में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना। अगला सवाल है, योर फर्स्ट गेमिंग फोन एंड योर करंट एज। तो भाई मेरा पहला जो गेमिंग फोन था वो था इंटेक्स कंपनी का, और अभी मेरी एज हो रही है 17 ईयर्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर फेवरेट फ्री फायर प्लेयर। तो बात करें अगर मोबाइल की और इंडिया की, तो इंडिया में मेरा जो फेवरेट मोबाइल प्लेयर है, भाई मैं फेवरेट बोल सकता हूँ क्योंकि मैं फेवरेट
फेवरेट बोलता हूँ क्योंकि भाई, लेकिन हाँ मेरे को एक इंसान, मेरे एक फ्रेंड ने बोला था कि भाई ये फेवरेट होता है, फेवरेट नहीं होता है, तो मैं फेवरेट भी बोल सकता हूँ। तो भाई मेरा फेवरेट जो फ्री फायर प्लेयर है मोबाइल में इंडिया में वो है पागल M10। और पीसी की बात करें तो पीसी में जो मेरा फेवरेट इंडियन प्लेयर है पीसी में वो है स्मूथ 444। और बात करें इंटरनेशनल की तो इंटरनेशनल में जो फ्री फायर का मेरा फेवरेट मोबाइल प्लेयर है वो है अपेला पातो। और बात करें पीसी की तो जो मेरा फेवरेट पीसी प्लेयर है फेवरेट बिल्कुल वो है साइब्लस, द वन एंड ओनली साइब्लस। योर फेवरेट ई स्पोर्ट्स प्लेयर, तो भाई मेरा फेवरेट ई स्पोर्ट्स प्लेयर जो है वो इंडिया में जो है वो है द वन एंड ओनली टीजी डिलीट। और बात करें इंटरनेशनल की तो मेरा इंटरनेशनल फेवरेट फ्री फायर ई स्पोर्ट्स प्लेयर जो है भाई, मतलब कसम से भाई फेवरेट फेवरेट में मतलब कंफ्यूज हो गया, पागल हो गया हूँ, कितना वॉइस ओवर भाई सब कितनी बार रिपीट कर चुका हूँ ना मेरे को पता है। कसम से जिसने भी मेरे को ये फेवरेट वाला किया है ना भाई, आज मैं उसको जाकर गोली मार दूंगा सच में, देख लेना। तो बात करें इंटरनेशनल की तो इंटरनेशनल में जो मेरा फेवरेट ई स्पोर्ट्स प्लेयर है वो है सैम 13 जो कि इंडोनेशिया कंट्री का रहने वाला है। योर फेवरेट ई स्पोर्ट्स टीम, तो भाई मेरे फेवरेट ई स्पोर्ट्स टीम जो है इंडिया के अंदर वो है टीम इलीट और टोटल गेमिंग। जी हाँ भाई, मतलब दोनों ही मेरी फेवरेट है भाई, मतलब मैं इन दोनों को किसी भी एंगल से कंपेयर नहीं कर सकता कि ये मेरी फेवरेट ज़्यादा है तो ये मेरी फेवरेट कम है। दोनों ही मेरे को अच्छी लगती है, दोनों ही मेरी पसंदीदा टीम्स है, दोनों ही मेरे को बहुत ज़्यादा ही पसंद है और दोनों ही टीम्स का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ दोनों का। और बात करें इंटरनेशनल की तो इंटरनेशनल में मेरी जो फेवरेट ई स्पोर्ट्स टीम है वो है लाउड। योर करंट फोन जिसमें आप फ्री फायर खेलते हो, तो भाई मैं पोको M3 डिवाइस पे अभी फ्री फायर खेलता हूँ। और आपके करंट फोन का रैम कितना है, तो भाई मेरे करंट फोन का जो रैम है वो है 6 GB। और फैमिली में कौन कौन है, तो भाई फैमिली में 3 लोग हैं हम, मम्मी पापा और मैं। अगला सवाल है भाई आपने आपके परिवार वालों को कैसे मनाया, तो भाई मैंने अपने परिवार वालों को बिल्कुल भी नहीं मनाया। मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया था वो मैंने पेरेंट्स की परमिशन लेके स्टार्ट की थी और मेरे मम्मी पापा मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, अभी से नहीं बल्कि स्टार्टिंग से जब मैंने चैनल ओपन किया था तब से मेरे मम्मी पापा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं मेरे को, मतलब तू अच्छा काम कर रहा है, करो ये सब अच्छा है, ग्रो करोगे। मेरे पापा मम्मी काफ़ी दुआएं देते हैं, वो तो हर एक माँ बाप दुआ देते हैं मतलब माँ बाप को। और मेरे पापा मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मेरे पापा मेरे को। और मेरे चैनल पर ऐसी कोई वीडियो नहीं है जिसको मेरे पापा ने 5 से 10 बार नहीं देखा हो, हर कोई वीडियो देखते हैं। और मेरे पापा जो है ना वो मेरे से ज़्यादा मेरे चैनल का एनालिटिक्स जो है वो मेरे पापा चेक करते हैं, कितना व्यू गया, कैसा गया, कैसा डाउन जा रहा है, कैसा अप जा रहा है, कितना व्यू कब कैसे सेकंड में गया, ये सब मेरे पापा बहुत ज़्यादा चेक करते हैं। और इस बात की मेरे को खुशी होती है कि भाई पेरेंट्स का साथ तो है ना भाई तेरे साथ। और मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको कि भाई अगर आपको लाइफ में कुछ करना है ना तो पेरेंट्स की परमिशन ज़रूर लिया करो, हर चीज़ पेरेंट्स की परमिशन के बिना के साथ ही करो, क्योंकि अगर माँ बाप तुम्हारे साथ है ना भाई तो फिर कोई बात ही नहीं है, हर चीज़ में तुम तरक्की करोगे, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैपिड फायर, AK और स्कॉर ऑलवेज AK, MP40 और M1887 ऑलवेज M1887, IM दो कट्टा लवर, टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स और टीम इलीट, दोनों ही अपने अपने जगह बेस्ट है और दोनों ही मेरे फेवरेट है, इसलिए मैं दोनों को कंपेयर नहीं करना चाहता, दोनों ही मेरी बेस्ट है तो दोनों को मैं किसी में कंपेयर नहीं करूंगा, ये फेवरेट है, दोनों ही मेरी फेवरेट है। यूट्यूब और फ्री फायर दोनों ही अपनी अपनी जगह है लेकिन मैं ज्यादा प्रायोरिटी यूट्यूब को देना चाहूंगा क्योंकि यूट्यूब इज माई लाइफ। मोबाइल और PC ऑलवेज मोबाइल, आलोक और क्रोनो तो दोनों में से कोई नहीं, मेरा बेस्ट है, मेरा फेवरेट है द जंगल झाड़ी, द वन एंड ओनली द वुकोंग चचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल, भाई आप फेस रिवील कब करोगे, तो भाई लोग मैं वादा करता हूँ मैं फेस रिवील करूंगा 1 मिलियन पे, ये मेरा वादा रहा। और मैं 1 मिलियन पे इसलिए फेस रिवील करूंगा क्योंकि 1 मिलियन मेरा सपना है, मेरा ड्रीम है। जिस दिन मेरा 1 मिलियन कंप्लीट हुआ, जिस दिन मेरा सपना पूरा हुआ, उसी दिन मैं अपना फेस रिवील कर दूंगा। बस आप लोग इसी तरह प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, जैसे हम लोगों ने 5 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए हैं, बहुत जल्द 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन हाँ मैं फेस रिवील इतना बता दूंगा, मैं फेस रिवील यहाँ यूट्यूब पे नहीं करूंगा, मैं फेस रिवील करूंगा इंस्टाग्राम पे। सो इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लेना, मेरे इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। सो याद से इंस्टाग्राम पे जाके मेरे को फॉलो कर देना क्योंकि 1 मिलियन, और हाँ साथ ही 1 मिलियन भी जल्दी से करवा देना और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना, फेस रिवील बहुत जल्द होगा जिस दिन 1 मिलियन होगा। और आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, तो भाई मेरी एक गर्लफ्रेंड है और मेरी गर्लफ्रेंड का नाम है, बताऊं कि नहीं बताऊं, चलो मैं बता देता हूं, मेरी गर्लफ्रेंड का नाम है YouTube। कुछ भी जी हाँ भाई, मेरी गर्लफ्रेंड का नाम है YouTube। और भाई मेरी गर्लफ्रेंड एक ऐसी गर्लफ्रेंड है जो कि भाई मेरे को, भाई साहब मैं उसके पीछे अगर टाइम देता हूँ, उस पर मेहनत करता हूँ, तो मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को फेम देती है, मेरे को पैसा देती है। मेरी गर्लफ्रेंड वैसी नहीं है जैसी आप लोगों की है, आप लोगों की गर्लफ्रेंड वैसी है जो आपसे आपको लूटती है, आप उस पर पूरा टाइम देते हो, उल्टा आप उस पर पैसे खर्च करते हो, वो आपको लूटती है। मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी गर्लफ्रेंड है जो भाई साहब मेरे को, भाई मैं उसके पीछे टाइम देता हूँ, मैं उस पर मेहनत करता हूँ भाई साहब, तो वो मेरे को फेम के साथ साथ पैसे भी देती है। कैसा लगा मेरा मजाक?
भाई ये था मजाक। भाई लिटरली बोलूं तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं भाई साहब अखंड सिंगल लौंडा बैठा हुआ हूँ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं है। और हाँ, मैं आप लोगों के लिए एक सजेशन लाया हूँ। देखो भाई, अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो भाई साहब ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर तो रखो ही मत। अगर आपको कुछ करना है लाइफ में, सक्सेस करना है, अपना करियर बनाना है ना, तो ये सब चक्कर मत रखो, क्योंकि ये सब चक्कर में कुछ ज़्यादा ही टाइम पास हो जाता है। मतलब तुम्हारा ध्यान जो है, तुम्हारा जो फोकस है वो तुम्हारे काम पे लगेगा ही नहीं, तुम्हारा जो फोकस है वो भाई साहब इसी चक्कर में रहेगा कि मेरी गर्लफ्रेंड ने थाना थाया कि नहीं थाया। यही सब में तुम्हारा जो तक्कल है, मतलब सॉरी, यही सब में तुम्हारा जो माइंड सेटअप है वो उधर ही रहेगा। तुम भाई साहब कुछ कोई भी चीज़ में फोकस नहीं कर पाओगे। तो ये था मेरा एक छोटा मोटा ज्ञान, ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया। और हाँ, लेकिन साथ में मैं इतना भी बोलना चाहूंगा कि हाँ, अगर आप भाई मतलब ये गर्लफ्रेंड को भी मैनेज कर सकते हैं और अपना पढ़ाई लिखाई करियर जो भी मतलब सक्सेस पॉइंट है वो आप अपना मैनेज कर सकते हैं दोनों साथ में, तो बिल्कुल रखो यार, गर्लफ्रेंड रखो, बिल्कुल लाइफ में होनी चाहिए गर्लफ्रेंड मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन मेरी तो नहीं है। हाँ, तो बिल्कुल भाई सब गर्लफ्रेंड रखो भाई, अगर तुम ये दोनों मैनेज कर लेते हो। और हाँ, अगर आप लोगों के पास कोई अगर एक्स्ट्रा गर्लफ्रेंड है भाई तो मेरे को भी दे देना, मेरे को भी जरूरत है। अगला सवाल है योर मोस्ट हैप्पी डे। तो भाई मेरी लाइफ का हैप्पी डे, सबसे ज्यादा खुशी का दिन उस दिन था जब मेरी फर्स्ट पेमेंट आई थी और उस पेमेंट को मैंने अपने हाथों से अपने मम्मी के हाथ में रखा था और उस दिन मेरी मम्मी के आंखों में आंसू आ गए थे भाई। और भाई मेरी मम्मी के आंसू, मतलब खुशी के आंसू देखकर मेरे को भाई साहब इतनी खुशी हुई कि भाई मतलब लाइफ में मोहतरम तूने कुछ तो किया भाई जिसकी वजह से तेरे माँ बाप खुश हुए भाई साहब। और उस दिन लाइफ में मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी क्योंकि भाई मैंने अपनी पहली कमाई अपने माँ बाप के हाथों में दिया और माँ बाप की खुशी देख कर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। योर सैड डे। तो भाई वैसे तो मेरा कुछ ज़्यादा दुख भरी दास्तान नहीं बीती है, लेकिन हाँ, आज से एक महीने पहले, एक महीने नहीं मतलब कुछ दिन हो गया, तीन चार हफ्ते पहले, मतलब ये एक बार मैं थोड़ा डिप्रेशन में चला गया था 3-4 दिनों के लिए और वो मेरी लाइफ का सबसे सैड डे था, क्योंकि भाई मतलब मेरा एक गेम में फ्रेंड था वो 3-4 दिनों के लिए ऑफलाइन चला गया था और उस फ्रेंड को मैं मतलब उस फ्रेंड से सबसे ज़्यादा मैं बातें करता हूँ गेम में और वो फ्रेंड जो है वो मेरा सबसे ज़्यादा क्लोज है, हर बातें मैं उसके साथ शेयर करता हूँ। और वो फ्रेंड जो है वो 3-4 दिनों के लिए ऑफलाइन चला गया था और उसको मैं बहुत ज़्यादा याद कर रहा था, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था और क्या पता मतलब इसको याद करते करते भाई मैं डिप्रेशन में चला गया था भाई, और वही मेरे लाइफ का सबसे ज़्यादा सैड मोमेंट था। योर फेवरेट यूट्यूबर। तो भाई मेरा फेवरेट यूट्यूबर है इंडिया में जो है वो है टू साइड गेमर्स, जिसका कंटेंट अभी भी मेरे को पूरे फ्री फायर इंडियन कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है। हु इज़ योर इंस्पिरेशन। तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि मेरा इंस्पिरेशन है GW मनीष भाई और बिनजैद भाई। योर मॉम एंड डैड रिएक्शन ऑन योर फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट। तो भाई जैसे ये इस खुशी को एक्सप्लेन तो नहीं किया जा सकता, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे को भाई खुशी हुई थी, बहुत खुशी हुई थी, तो मेरे माँ बाप को तो इससे भी ज़्यादा दुगनी खुशी हुई होगी, क्योंकि भाई मतलब जब कोई माँ बाप का औलाद जब भाई सब कुछ सक्सेस करता है तो माँ बाप को बहुत खुशी होती है और उस खुशी को भाई सब एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। बस इतना जान लो, बहुत खुशी होती है, हद से ज़्यादा खुशी हुई थी मेरे माँ बाप को, क्योंकि भाई उनका एक बेटा भाई साहब मतलब भाई माँ बाप उसी उम्मीद से करते हैं भाई, औलाद को पालते हैं कि वो आगे जाकर कुछ करेगा। तो भाई उस मैंने कुछ किया, मैंने अपना फर्स्ट पेमेंट दिया, तो भाई जाहिर सी बात है कि बहुत खुशी होगी और बहुत खुशी हुई थी उस दिन मेरे माँ बाप को भी और मेरे को भी। योर फ्रेंड्स रिएक्शन ऑन 100K सब्सक्राइबर्स। तो भाई मेरे फ्रेंड्स जो है मेरे मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे को स्टार्टिंग से सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो मेरे सबसे ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स हैं वो भाई साहब मेरे को मतलब 1K पे भी उनका एक ही बात था, एक ही डिमांड था, 10K भी, 100K पे भी और 400K पे भी। सो और वो डिमांड था भाई, पार्टी कब दोगे रे भाई, तेरा 1K हो गया, 10K हो गया, 400K हो गया, 500,000 हो गया भाई, तू पार्टी कब देगा। तो भाई मैं आज उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि भाई आज शाम को चलो मैं आज तुम लोग को बिरयानी पार्टी दूंगा, चलो आज तुम लोग भाई बहुत हो गया, आज तुम लोग को बिरयानी पार्टी में देखे रहूंगा, तो चलो। कैसा लगा मेरा मजाक? गजब बेइज्जती है। अगला सवाल है गिव सजेशन फॉर न्यूली कमर यूट्यूबर्स। तो भाई आप लोगों को मैं एक ही सजेशन देना चाहूंगा कि भाई मतलब कुछ ऐसा कंटेंट डालो, कुछ ऐसा यूनिक कंटेंट डालो जो मतलब पूरे फ्री फायर कम्युनिटी में ऐसा हो ही ना, मतलब कुछ ऐसा मतलब डालो कि जो मतलब बिल्कुल यूनिक हो, जो कि लोगों को पसंद आए। तुम्हारे हिसाब से वो यूनिक नहीं होना चाहिए, लोगों को भी पसंद आना चाहिए, लोगों को भी इंटरेस्ट होना चाहिए उस कंटेंट को देखने में। तो ऐसा कुछ डालो। और सबसे बड़ा भाई की पेशेंस रखो, पेशेंस यूट्यूब का भाई मतलब मूल मंत्र है एक तरह से कह सकते हो। पेशेंस रखोगे तभी यूट्यूब पे ग्रो हो पाओगे। मैं भाई साहब 8 महीने तक पेशेंस रखा था तब मेरा एक वीडियो जाके वायरल हुआ था। तो भाई 8 महीने मैंने पेशेंस रखा, आजकल भाई यूट्यूबर भाई 1 महीने नहीं हो रहे, भाई मेरे 1K नहीं हो रहे, सपोर्ट कर दो, ऐसा नहीं होता ना भाई। तुम लोग भाई मेहनत करो, मेहनत करते रहो भाई साहब, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है यूट्यूब पे भाई, मतलब मेहनत करते रहो, कुछ यूनिक डालो और पेशेंस बहुत ज़रूरी है यूट्यूब पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने अपना चैनल का नाम फैक्ट स्टोरेज क्यों रखा। तो भाई इसके पीछे एक बहुत छोटी नहीं लंबी सी कहानी है
और वो कहानी ये है कि पहले मेरे चैनल का नाम कुछ और हुआ करता था, और जो लोग मेरे को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं या जो लोग मेरे ऑल्ड वीडियोस देखे हैं उनको पता होगा कि मेरे चैनल का नाम पहले फैक्ट स्टोरेज नहीं था, मेरे चैनल का पहले नाम था ब्रेन ट्विस्टर फैक्ट्स। बट भाई ये मेरे को जो चैनल का नाम था ब्रेन ट्विस्टर फैक्ट्स ये मेरे को कुछ ज़्यादा ही लंबा लगता था, और इसलिए मैं सोच रहा था कि इसका भाई बदलूंगा ये चैनल का नाम मैं चेंज करके रहूंगा। और मैं अपने पापा से पूछा कि पापा जैसा कि मैंने आपको पता है कि पापा तो स्टार्टिंग से सपोर्ट कर रहे हैं मेरे को, तो पापा को मैंने बोला कि पापा चैनल का नाम चेंज करना है तो कुछ बताइए ना। तो पापा ने क्या हुआ, मतलब एक दिन ऐसे ही कुछ था, मैं अपना तीसरा या चौथा वीडियो डाल के मतलब रात को सोने जा रहा था, तो हम लोग ऐसे ही मैं कुछ बैठ के मोबाइल चला रहा था, तो पापा मेरे को भाई मतलब पापा सोए हुए थे अचानक उठकर मेरे को क्या बोलते हैं कि देखो तुम अपने चैनल का नाम रखो फैक्ट स्टोरेज। तो मैं बोला अरे भाई ये तो यूनिक नाम है, पहले यूट्यूब पे मैंने देखा फैक्ट स्टोरेज कहीं नहीं था भाई। तो फिर मैंने पूछा फैक्ट स्टोरेज क्यों रखना है, तो मेरे पापा ने बोला देखो तेरा चैनल पूरा फैक्ट का है तो फैक्ट पहले तो हो गया एक फैक्ट, और स्टोरेज तुम्हारे चैनल पे जो फैक्ट का जो भंडार रहेगा स्टोरेज मतलब रहेगा पूरा फैक्ट्स का। तब मैंने भाई बोला भाई एक नंबर पापा, भाई खुश हो गया मैं उस दिन, और उसी दिन हमारे चैनल का नाम पड़ा फैक्ट स्टोरेज। यही कहानी थी हमारे चैनल के नाम रखने की, जो कि आज मेरे को आप लोगों को जान रहे हो फैक्ट स्टोरेज के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉप सीक्रेट इन योर लाइफ जो आपके पेरेंट्स को भी नहीं पता। तो भाई आप लोग तो पहले जिसने भी ये सवाल पूछा है उसका मेरे को पूरा मतलब उसका मन है पूरा पिटवाने का मेरे को, तो चलो मैं बताता हूँ मेरे लाइफ का टॉप सीक्रेट जो मेरे पेरेंट्स को नहीं पता है। तो हुआ क्या था, मैं था 8th क्लास में, मैं पढ़ रहा था, जनवरी का महीना था और हमारा टेस्ट चल रहा था जनवरी के महीने में हमारे स्कूल का, 8th में था मैं। तो क्या हुआ कि मतलब हम लोगों ने जनवरी का महीना था, तो जनवरी का महीना ऐसे भी भाई साहब पिकनिक पार्टी का होता है, हर लोग भाई साहब जाते हैं पिकनिक। तो हम लोगों ने फ्रेंड्स से प्लान किया कि अरे यार चलो मतलब पिकनिक चलते हैं, क्या टेस्ट वेस्ट देना भाई, ये तो जिंदगी भर टेस्ट चलता रहेगा। तो हम 7 लड़के थे फ्रेंड सर्कल में क्लास में, तो 8th में, तो भाई 7ों ने प्लान किया कि चलो पिकनिक मनाते हैं। तो हम लोगों ने पैसे का जुगाड़ किया, पिकनिक का भाई साहब जुगाड़ कर लिया, और क्या हुआ हम लोगों ने 7ों के 7ों ने एक साथ ही स्कूल एक दिन बंक कर दिया, मतलब सीधा चले गए स्कूल के बहाने, हम लोग सीधा चले गए पार्टी करने, है ना, पिकनिक मनाने गए, पिकनिक सब मना लिया भाई। तो हुआ क्या, तो हम लोग जो 7ों फ्रेंड्स थे, तो भाई स्कूल वाले जो थे ना, स्कूल वालों को शक हो गया कि भाई 7ों के 7ों लौंडे भाई सब एक दिन भाई सब कैसे बंक कर दिया यार, चलो 2 नहीं आता 4 नहीं आता, ये 7ों के 7ों एक दिन कहाँ गायब हो गए। तो स्कूल वालों को हुआ शक। अब हुआ क्या कि हम लोग जो 7ों फ्रेंड्स थे, उन हम 7ों में से एक जो हमारा फ्रेंड था ना, उस फ्रेंड की जो बड़ी बहन थी वो थी हमारी क्लास टीचर, और यही था सबसे बड़ा स्कैम। तो हम लोग बिल्कुल खुशी से पार्टी वार्टी मना लिए और भाई सब अपने अपने घर चले गए। तो वो जो उसकी बहन थी, जो मेरे फ्रेंड की बड़ी बहन थी, जो हमारी क्लास टीचर थी, उसने, वो जो मेरा दोस्त था ना, वो अपनी बहन से मतलब बहुत ज़्यादा डरता था, बहुत मतलब वो धमका कर रखती थी अपनी बहन को, हमारी क्लास टीचर थी। तो क्या हुआ, उसने भाई डरा धमका के पूछा कि अरे तुम लोग 7ों के 7ों कहाँ थे भाई, मतलब वो ऐसे ही इंडायरेक्टली पूछी कि तुम लोग कहीं गए थे ना घूमने। वो भाई सब डर के बोल दिया कि हम लोग यहाँ गए थे, हम लोग पिकनिक मनाने गए थे भाई, ऐसे ऐसे हम 7ों फ्रेंड्स स्कूल बंक करके हम लोग आराम से पार्टी कर रहे थे भाई। अब ये कंप्लेन गई हमारे प्रिंसिपल के पास, और अब जब अगले दिन हम लोग स्कूल पहुंचते हैं तो हमारे प्रिंसिपल जो है वो हमारी मतलब फीमेल थी हमारी प्रिंसिपल, आराम से स्वागत करती है, आइए थोड़ा आइए, प्रिंसिपल रूम में गए हम लोग। उसके बाद हुआ क्या बोलते, पूरा सुनाया दम भर, मतलब भर के सुनाया भाई, मतलब मारा नहीं 8th क्लास के बच्चे को वैसे भी नहीं मारते भाई, और हम लोग पढ़ने लिखने में अच्छे थे इसलिए मारा नहीं, बहुत सुनाया। और एक वीक के लिए हम लोगों को सस्पेंड कर दिया गया स्कूल से। अब एक वीक के लिए सस्पेंड कर दिया गया, घर में भी नहीं बताया था कि भाई हम लोग पार्टी मनाने गए थे, तो बोल भी नहीं सकते। अब एक वीक हम लोग क्या करते थे, घर से निकलते थे 7ों के 7ों, घर से यही बोलकर निकलते थे, स्कूल यूनिफॉर्म में निकलते थे कि भाई चल जा रहे हैं मम्मी स्कूल, तो भाई घर से ऐसे ही 10-15 रुपये लेकर हम लोग निकलते थे। और क्या हुआ, 7ों फ्रेंड्स कहीं एक जगह भाई साहब, ऐसे बहुत सारे घूमने के जगह होते थे, कभी डैम चले जाते थे, कभी पहाड़ चले जाते थे, हमारे घर तरफ वैसे भी काफ़ी अच्छी अच्छी जगह है, तो हम लोग ऐसे ही चले जाते थे। और क्या होता था, 7ों के 7ों फ्रेंड्स स्कूल बंक करके मतलब बंक करके क्या पे सस्पेंड हो गए थे हम लोग, तो चले जाते थे। और एक हमारे फ्रेंड के पास था भाई एक एंड्रॉयड फ़ोन, उस समय एंड्रॉयड फ़ोन का मतलब मेरे पास नहीं था, मेरे 3-4 फ्रेंड्स के पास था, तो मेरे फ्रेंड के पास था, तो हम लोग क्या करते थे, जो घर से पैसे मिलते थे ना पॉकेट मनी स्कूल के लिए, वो उन पैसों से भाई साहब हम लोग मूवी डाउनलोड करते थे, मतलब डाटा रिचार्ज करके मूवी डाउनलोड करते थे अपने फ्रेंड के फ़ोन में, और 2-3 घंटे मतलब 2-3 मूवी देख लेते थे 5 घंटे की स्कूल टाइम में जो हमारा था। और फिर मूवी देख के फिर वही होता था, मतलब स्कूल के टाइम जब छुट्टी होती थी उस टाइम पे हम लोग घर पहुंच जाते थे। यही कांड हुआ था 7ों के 7ों दिन, 7ों के 7ों दिन यही कांड हुआ था, हम लोग मूवी देखने चले जाते थे, मतलब स्कूल जाते नहीं थे, सस्पेंड था ये मेरे, ये पेरेंट्स को भी नहीं पता था, किसी के पेरेंट्स को नहीं पता था, मेरे पेरेंट्स को क्या वे, किसी के पेरेंट्स को, बस ऐसा ही कांड चलता रहा। 7ों के 7ों दिन हम लोग ऐसे मज़े करते रहे, मूवी देखते रहे, स्कूल से तो सस्पेंड थे। और भाई ये बात जो थी ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी सीक्रेट बात थी
जो कि मैंने अपने पेरेंट्स को आज तक नहीं बताया था। लेकिन भाई अगर मेरे मम्मी पापा, वैसे तो मेरे पापा वीडियो देखते रहते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया है, तो मेरे पापा ये वीडियो देखेंगे और भाई साहब धुलाई तो होगी मेरी आज। भाई जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है ना, कसम से उसको मेरा मतलब पिटवाने का मतलब पूरा मन है भाई उसका मेरे को, मतलब क्या ही यूनिक क्वेश्चन पूछा है, मतलब टॉप सीक्रेट भाई। क्यों किसने पूछा, ये गेम इज फेम ने भाई, जो भी हो यार तुम पिटवा के रहोगे यार भाई साहब। अगर ये वीडियो भाई, वैसे तो जाएगी मेरे माता श्री पिता श्री तक, अगर ये वीडियो वहाँ तक पहुँची और वीडियो को पूरा देखा भाई साहब, तो धुलाई जो है हमारी वो निश्चित है। तो अब आते हैं सबसे लास्ट में इंस्टाग्राम के क्वेश्चंस पे। इंस्टाग्राम पे भी मुझे बहुत लोगों ने मेंशन करके क्वेश्चन पूछा था। तो सबसे पहला सवाल है, 5 लोगों का नाम बताओ तुमको गिल्ड में सबसे मतलब बहुत अच्छे लगते हैं। तो वैसे तो मेरे को गिल्ड में सभी लोग अच्छे लगते हैं, बट 5 ऐसे लोगों का नाम मैं आपको बताना चाहूंगा जिनसे मैं सबसे ज्यादा बातें करता हूँ, जिनके मैं सबसे ज्यादा क्लोज हूँ। तो वो लोग है, सबसे पहला बंदा है कल्लू एडम, दूसरा है हमारा फैक्ट हर्ट, तीसरा है हमारा फैक्टो विकी, चौथा है हमारा एफएसटी बेस्ट, और पांचवा है हमारा फैक्टो नवाब। और इन 5 गिल्ड मेंबर्स के मैं सबसे ज्यादा क्लोज हूँ, मैं सबसे ज्यादा पर्सनल और सबसे ज्यादा जो बातें करता हूँ मैं इनसे ही करता हूँ अपने गिल्ड के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी और आपको जो मेरे से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं, जो जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।